आज हमारे साथ खेल रही थी प्राइम कुकी। वावा वावा, आज हमारे साथ खेल रही थी प्राइम कुकी, जिसकी बहन की मतलब बहन को मैं बहन बोलता हूँ गाइज। तो और मेरी जनता, क्या हाल चल है यार। तो अब देखो भैया, भैंस की मैया, आज हम फिर से अपने जा रहे थे रावण की लंका पे, और यहाँ पे आ रहे होते हैं पूरे के पूरे 1 से 2 स्क्वाड शायद, और साथ में खेल रहे होते कुकी फुकी मतलब कुकी दीदी, ठीक है। और हम लोग जब उतरेंगे तो भाई साहब, आपको तो पता ही है कि हम लोग कितना ज़्यादा अल्ट्रा लेजेंडरी नूबरा है, मतलब कि प्रो प्लेयर है गाइज। तो देखो अभी बंदा उतरते ही आ जाता है सामने, तो देखिए इसको कैसे टपाटप मारते हैं गाइज जी। मिस्टर बाप जी, आप चड्डी पहन कर नहीं आते कर। एनिमी डाउन गाइस। यार आप लोगों को मैं एक अच्छी सी बात नहीं बल्कि बुरी बुरी बात बताना चाहता हूँ यार, मेरा गला खराब है तो आप लोगों को आवाज अच्छा नहीं जा रहा होगा, तो गाइस इसके पीछे भी कुछ रीजन है यार। लेकिन इधर के साइड बंदा मैं खोज ही रहा था जिसको नॉक किया था, लेकिन कुकी दीदी एक से लड़ रही थी। अब देखो भैया, भैंस की मैया, इस बंदे का था उजला उजला कपड़ा, इसीलिए कुकी दीदी ले ली थी इससे लफड़ा, मतलब लफड़ा वफड़ा कर ली थी, इसको मार दिया। उसी के बाद मैं उस बंदे को खोज रहा था जिसको शुरू शुरू नॉक किया था, उसका फुटस्टेप इधर से आता है। पूजा दीदी नमस्ते। आपका बॉयफ्रेंड पहले नॉक हो गया था क्या? और पूजा दीदी यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को रिवाइव देने के बाद हीलिंग विलिंग दे रही थी, लेकिन हम ठिला दिए। और हाँ गाइज, अभी मैं फिर से बता देता हूँ यार कि मेरा गला खराब इसलिए हुआ क्योंकि यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और मैं गर्लफ्रेंड के चक्कर में भाई पूरी रात गाना गाते रहा बाथरूम के अंदर इसीलिए भाई। बट कोई बात नहीं गाइस, सामने एक बंदा लुटुर पुटुर करके निकले हुआ था और हम उसी का इंतजार कर रहे थे कि भैया जी कब निकलेंगे, लेकिन वो तो निकल ही नहीं रहे थे। तभी मेरे दिमाग में आता है खुरापाती आइडिया कि चलो ना भाई गाड़ी से जाएंगे और उस पार से बजाएंगे, लेकिन जैसे ही जा ही रहा होता तभी निकलता है वो लोयन एक से सारा। ओहो, और यहाँ पे सारा दीदी को ठिलाते हुए रावण एक्सप्रेस संस्था हीरो। और आप सभी को तो अच्छी तरह से पता है कि हमारी अदालतें वकालत नहीं होती, और सजा मिल जाए तो जमानत नहीं होती, इसीलिए भैया जी को सॉरी मैडम जी को नॉक करके फिनिश। अब भाई साहब देखो, हम ठहरे अल्ट्रा लेजेंडरी प्रो प्लेयर मैक्स आउट इन 200, इसीलिए हम गाड़ी उठा के उस पर जा ही रहे होते हैं। तभी देखना यहाँ पे क्या ही स्कैम होगा, हमारे कुकी दीदी के बॉयफ्रेंड सॉरी बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड बॉयफ्रेंड तो अपने प्राइम आर्मी वाइट ही है, तो प्राइम टाइगर भाई उनका फ्रेंड हो गया, फिर भाई भाई कुछ भी हो सकता है। तो उनको वो सामने वाला बंदा ग्रेनेड से नॉक करता है, और जब मैं इधर के साइड आता हूँ तो एक बॉट महाराज को मैं मार देता हूँ, उसी के बाद इनको कवर देने के लिए मैं आता हूँ। तभी मुझे सामने उस वाले रेड वाले हाउस पे बंदा दिखता है, तो मैं क्या करता ना, मैं थोड़ा सा राइट में आता हूँ और भाई साहब को खतरनाक डैमेज देता हूँ, और जैसे ही ऊपर आता हूँ सामने बंदा जिस भाई साहब को खतरनाक वाला नॉक कर दिया गया है, उसी के बाद आपको तो पता है कि मैं किसी को नॉक करता हूँ तो भाई साहब फिनिश करने के लिए जाना तो बनता है ना। मतलब अबे यार हटो भाई, कोई बात नहीं गाइस, हम फिनिश करने के लिए जा ही रहे थे कि हमारे दिमाग में चलता है खुरापाती आइडिया, तो हम भी निकाल लेते हैं अपना रामदोवा का नीचे वाला आलू मतलब कि ग्रेनेड गाइस ग्रेनेड, और जय श्री राम। एक भाई साहब फट गए हैं, तो सीधा रस पेलेंगे और बंदे को बढ़िया से ठेलेंगे गाइज। अरे बचाओ, अरे दीदी बचाओ, घुसो घुसो मार दो जाओ। और यहाँ पे कुकी दीदी बंदों को फिनिश करते हुए अल्ट्रा लेजेंडरी प्रो प्लेयर मैक्स आउट इन 200 नूबरी वाला स्किल्स दिखाते हुए डैमेज बंदे को मारी थी ना, इसीलिए बोल रहा हूँ गाइज। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं नुनू मस्तान को मारता हूँ, तभी सामने से आता खतरनाक फायरिंग, और वही वाला फायरिंग दोबारा आता है और कुकी दीदी को बढ़िया से बजाता है मतलब नॉक कर देता है। तभी वो वाले भाई साहब आकर सीधा रस कर देते हैं रे चचा, और वो भी ग्रेनेड ग्रेनेड करते हैं, और फिर देखना पता नहीं भाई कैसे
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार पबजी मोबाइल लाइट के कम्युनिटी में। भाई नॉक करके सीधा फिनिश मारो कुकी दीदी को। नहीं नहीं नहीं, दरअसल ये फिनिश मारने का इसका प्रोग्रेस नहीं था, बल्कि ये वाले भाई साहब लड़की वर्की को देख के सीधा फिनिश मार दिया, क्योंकि ये रिक्वेस्ट अब भेजेगा और बोलेगा कि अरे कुकी मैंने तुम्हें मारा था तो तुम मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो और मेरी गर्ल फ्रेंड बन जाओ। फिर कुकी बोलेगी कि निकल निकल जा भाई, मैं बॉयफ्रेंड मेरी ऑलरेडी है, मतलब कि ऐसे बोल देगी तो वो भाई साहब चले जाएंगे मुँह उधर करके, मतलब मुंह लटका के नीचे वीचे लटका कर झटका कर चले जाएगा। बट कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल वो सबको इग्नोर मारते हैं और सामने पूरी की पूरी स्क्वाड है भाई, जिसमें से एक बंदे को तो मैंने पहले ही मार लिया है, मतलब मार दिया है, और पूरे के पूरे तीन बंदे सामने। फिलहाल एक बंदा है मेरे सामने वाले घर में, ठीक है, इसके टीममेट अभी आएंगे और इसके पास हाथ में है S12 के, और ये वाला बंदा नीचे पीछे कूदते रहता है और मैं इधर उधर देखता हूँ। जहाँ जहाँ देख रहा था उधर उधर से फुटस्टेप आ रही थी, इसीलिए मैं इधर से उधर हो रहा था। लेकिन फाइनली सामने से, अबे भाई ग्रेनेड भागो, अरे चचा, और ये तो अपना नीचे वाला, मतलब ये लोग अपना नीचे वाला बंदूक लेके मेरे पीछे पर जाते हैं भाई, पता नहीं क्यों। इसीलिए मैं इधर के साइड कूद जाता हूँ और मैं इंतजार कर रहा था कि ये भाई लोग कब आएंगे, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ग्रेनेड आता है और देखना। लेकिन फटने से पहले मैं बता दूँ, ये तीनों आ गए थे साथ में। अबे भैया कतई अल्ट्रा लीजेंडरी प्रो प्लेयर मैक्स बन रहे हो बे। हाँ, अब सामने से इनका फुटस्टेप बहुत तेजी से आने लगा था, ये लोग क्लोज में आ गए तो वो भी S12 के पापी गन लेकर, इसीलिए मैं ऊपर में थोड़ा मेरा वेट कर ही रहा था। और ये पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे नीचे, वो भी S12 के वाली, तो बस देखिए आंखें गुस्सा के बस देखते रहिए, ये लोग रस कर रहे हैं बे। ओ भाई आजा आजा आजा, अरे मेरे भाई 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 छोड़ दे यार, बच्चे की जान ले वो क्या। हाँ गाइस हम नीचे से जाएंगे, पीछे से मार देंगे, मतलब कि गाइस अभी बाहर जाएंगे, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ से देखो, इस भाई सबको थोड़ा डैमेज दे दिए थे। और रस करने का तो हिम्मत हो नहीं रहा था, लेकिन इसलिए किया क्योंकि S12 वाला बंदा है ना, अपना S12 गोरी लोडिंग पे लगा दिया था। तो हाँ भाई आ गया ना स्वाद। अब भाई साहब हम गाड़ी के पास जा ही रहे थे तभी देखो एक टकला दिखता है सामने, और इस भाई साहब का मैं टकला फोड़ रहा था, लेकिन सारा का सारा एम असिस्ट के कारण गोली बॉडी पे ही जाता है, मतलब हेवी एम असिस्ट है ना, इसीलिए। अब देखो भैया भैंस की मैया, सामने आपको तो गाड़ी दिख ही गई होगी। अब उसी भाई साहब को हम देख ही रहे थे, अब हम सोचे थे कि वो भाई साहब घर के अंदर है, तो चलो ना रे भाई आगे जाएंगे पेड़ पे और वहां से स्की करके जाएंगे, लेकिन सामने बंदा दिख जाता ओपन में, दबा के डैमेज दिया जाता है, अब तो रस बनता है ना भाई। चल भाई चल स्की ओपन, चलो कोई बात नहीं गाइस, इसकी ओपन नहीं हो रहा था तो क्या हुआ, अभी हम हील करके, अबे यार हील करके मार ही देता मैं, बट कोई बात नहीं गाइस, लाइक मारो इस वीडियो को और शेयर कर दो प्लीज, कमेंट भी कर ही देना।